हाय दोस्तों, मैं हूँ पुण्य। अब देखिए, मार्च के मंथ में मेरा फ्लावर गार्डन कितना सुंदर सा दिख रहा है। चारों तरफ अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स ही फ्लावर्स आप लोगों को नज़र आएंगे। गार्डन के कोई भी हिस्से में चले जाओ, बस फूलों के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता आजकल। मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। कभी कभी ये सोचती हूँ वीडियो में मैं अपने गार्डन के कौन से हिस्से को कवर करूँ। कभी लगता है कि इस साइड के हिस्से को दिखाऊँ, तो कभी लगता है ये वाला। अगर मैं तुलना करूँ मेरे गार्डन के कोई भी हिस्से को, तो कोई किसी से कम नहीं है। अब मुझे अपने गार्डन को छोड़कर कहीं पे भी जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। यहाँ पर मैंने अजेलिया के प्लांट को भी ग्राउंड में ग्रो करके रखा हुआ है। देखिए इस साल कितने सुंदर इसमें भर भर के ब्लूम्स आ रहे हैं। काफ़ी लंबे समय तक ये भी चलते हैं। अब तो मेरा ग्राउंड गार्डन फूलों की बरसात हो रही है। इतने फूल के अब मैं इनको कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, ना इनके डेड फ्लावर्स को हटा पा रही हूँ, ना कुछ। और यहाँ पर देखिए गर्मियों का ये पौचला का में भी कितने सुंदर ये ब्लूम हो रहे हैं, और इसमें येलो कलर के इसमें भी भर भर के बड्स बनना स्टार्ट कर हो गया है। बोगनविलिया का ये कलर देखिए कितना सुंदर, बहुत सुंदर हो गया है। गार्डन पूरा फूलों से भरा होने के कारण अब मुझे समझ नहीं आ रहा है करके कि समर गार्डन की तैयारी मैं कैसे करूं। ना ग्राउंड में जगह है, ना ही कोई पॉट में जगह है करके कि मैं अपने समर के फ्लावर्स भी ग्रो करूं। अब मेरे पास कोई भी खाली पॉट्स नहीं है, इसलिए सोच रही हूँ जो भी कुछ समर के फ्लावर प्लांट या कुछ और ग्रो करूँगी पॉलीबैग में ही ग्रो कर दूंगी। जब ये पूरा जो विंटर के फ्लावर्स की एंडिंग हो जाएगी, तब पॉट्स खाली हो जाएंगे, तब उनको दोबारा शिफ्ट करूंगी। मगर दोस्तों, ऐसा करने से काफ़ी हमारी मेहनत भी लगती है और टाइम की बर्बादी भी होती है। मगर क्या करें, गार्डन फूलों से भरा है। अब मुझे समर की भी तैयारी करनी है। ना चाहते हुए भी अभी मुझे इनको बाद में और एक महीने के बाद इनको खाली ही करना पड़ेगा, नहीं तो मैं फिर से लेट हो जाऊँगी, क्योंकि टाइम से हमें चलना भी पड़ता है। तो आज मैं अपने गार्डन में कुछ और लगाने जा रही हूँ, यानी कि समर की कुछ तैयारी करने जा रही हूँ। चलो देखते हैं मैं क्या ग्रो करूँगी। तो दोस्तों, समर की तैयारी इस तरह है करके कि आज मैं कुछ बल्ब वाले फ्लावर्स प्लांट लगाऊंगी। जितने भी आप ये जो बल्ब्स देख रहे हैं, मैंने ये गोविंद भाई से मंगवाए हैं। सभी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी उन लोगों ने मुझे भेजा है। वैसे मुझे जो ये बल्ब वाले फ्लावर प्लांट हैं उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैं अपने गार्डन में बहुत ही कम बल्ब वाले फ्लावर प्लांट को लगाती हूँ। फिर भी अपने हिसाब से ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए, ये है कुकुरमा। कुकुरमा को मैं फ़र्स्ट टाइम लगाऊंगी। वैसे मैंने नर्सरी में बहुत देखा है फ्लावर करते हुए, मगर मैं इस बार डायरेक्ट बल्ब को ख़रीद के ही लगाऊंगी। देखिए चार पीसेस इन लोगों ने भेजे हैं। किसी किसी में तो आप लोगों को देखिए थोड़े थोड़े स्प्राउट भी दिख रहा है। अगर स्प्राउट वाले बल्ब दिखे तो आप समझ जाए करके कि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो पॉट की कमी के कारण मैं इनको पॉलीबैग में ही लगाऊंगी। तो इस साइड में भी स्प्राउट है और देखिए इस साइड में भी। तो अगर दोनों साइड स्प्राउट हो तो समझ नहीं आता है करके कि किस तरह लगाए। अगर हमें कुछ एक्सपीरियंस नहीं है लगाने का और बिल्कुल भी समझ नहीं आता है करके कि दोनों साइड अगर स्प्राउट हो तो कैसे लगाए, तो सिंपली उनको लिटाकर ही लगा देना बेहतर होगा। और मैं हर बार ऐसे ही करती हूँ, जब समझ नहीं आता है तो उसको लिटाकर ही लगा देती हूँ और वो बहुत अच्छे से ग्रो भी कर जाती है। तो एक तो मैंने लगा दिया। दूसरे वाले कुकुरमा में देखिए, इसमें तो समझ आ रहा है, ऊपर से उभरा हुआ है। मीन्स यहाँ से स्प्राउट होगी तो नीचे वाला हिस्से से रूट आएगी, तो इसलिए मैंने इसको सीधा ही लगा दिया है। कोई भी इसमें झंझट नहीं है। मगर दोस्तों, कोई कोई जो बल्ब होते हैं उसको देखते ही पता लग जाता है करके कि कौन सा हिस्से को आप नीचे रखना है और कौन से वाले ऊपर, और किसी किसी में तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। अब सेकंड मैं ये जिंजर लिली के बल्ब को ग्रो करने वाली हूँ। ये बिल्कुल ही अदरक की तरह ही दिखते हैं। देखिए इसमें भी रेडिश रेडिश स्प्राउटिंग का निशान आप लोगों ने देखा होगा। देखिए, और एक या दो नहीं, चारों तरफ से इसमें स्प्राउटिंग आ रही है। तो इसका भी यही हाल है। कैसे लगाऊँ, खड़े करके लगाऊँ या उल्टा सीधा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो काफ़ी सोचने के बाद अब मैंने फिर वही डिसाइड किया करके कि इसको लिटा के ही लगा देती हूँ, क्योंकि जो स्प्राउटिंग होगी वो मिट्टी को फाद कर ही ऊपर की तरफ आ जाएगी और जो रूट होगा वो नीचे की तरफ चला जाएगा। तो देखते हैं,
पहले कभी मैंने जिंजर लिली के बल्ब को ग्रो नहीं किया है। मोस्टली जितने भी मैं लगा रही हूँ सब मेरे लिए न्यू है, इसीलिए मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। इसीलिए मैं इस वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ डिटेल आप लोगों को नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मैं पहली बार इनको ग्रो कर रही हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये डैफोडिल, इसमें तो बहुत सुंदर फ्लावर्स आते हैं और देखिए इसमें तो लीव्स भी आ गए हैं। ऐसे मैंने दो मंगाए थे, इनको ऑलरेडी मैं ग्रो कर चुकी हूँ। डैफोडिल को भी मैंने फर्स्ट बार ही लगाया। अभी तो सभी को मैं छोटे छोटे कंटेनर या तो पॉली बैग में ही ग्रो करूँगी। अब ये देखिए, ये है नेरियम लिली, बहुत ही सुंदर इसमें फ्लावर्स आते हैं। ये वाले बल्ब का तो पूरा पता लग रहा है करके कि कौन सा वाला पार्ट नीचे है और कौन सा वाला ऊपर, उसको जस्ट मैंने लगा दिया है। और सॉइल मिक्सचर में मैंने थोड़ा सा सैंडी सॉइल बनाया है, सॉइल के साथ सैंड के अमाउंट को थोड़ा ज़्यादा लेकर उसमें फंगिसाइड और बर्मी कंपोस्ट को मिक्स करके मैंने इस तरह ग्रो कर दिया है। अब नेक्स्ट है दोस्तों, ये देखिए, ये है कैम्फेरिया का बहुत ही प्यारा फ्लावर करने वाले ये बल्ब। इसमें देखिए कितने सारे छोटे छोटे इसमें बल्ब्स नज़र आ रहे हैं। इसका भी यही हाल है, कहीं से जहाँ से रूट निकल रही है या तो निकलेगी, कुछ भी मुझे आइडिया नहीं हो रहा है पलट के लगाऊं या सीधा करके। तो अभी मैं इसको फ़िलहाल ऐसे ही ग्रो कर दे रही हूँ। नेचुरली दोस्तों, जहाँ से स्प्राउटिंग होगी, जहाँ से प्लांट निकलेगा या तो जहाँ से लीव्स नज़र आएंगे, वो डायरेक्टली सॉइल के ऊपर ही आ जाएंगे और रूट नेचुरली नीचे की तरफ ही जाएगी। इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने की भी मुझे ज़रूरत नहीं हो रही है। आप लोग भी दोस्तों, जब समझ ना आए कौन सा हिस्सा को नीचे रखना है तो इसी तरह लगा दीजिए। और सभी को मैंने नेमिंग भी कर दी है, क्योंकि ये सारे जितने भी बल्ब्स मैंने ग्रो किए हैं मेरे लिए फर्स्ट टाइम और बहुत ही ज़्यादा नए हैं, क्योंकि अभी मुझे इनकी इतनी ज़्यादा पहचान भी नहीं है। इसीलिए मैंने इनमें सभी में नेमिंग कर दी है ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। और वैसे भी जब इनमें लीव्स आ जाएंगी तो हम लीव्स के द्वारा पहचान लेंगे करके कि कौन सा वाला प्लांट कौन से वाले फ्लावर का है। तो इस तरह से मैंने आज ग्रो कर दिया। अभी मैं थोड़ा बहुत इसमें पानी डाल दूँगी, सारे बल्ब वाले प्लांट है इसलिए थोड़ा संभल के हमें वाटरिंग करना है। ज़रूरत से ज़्यादा बिल्कुल भी वाटरिंग नहीं करेंगे, 3-4 दिन के लिए थोड़ा शेडी एरिया में रख देंगे और उसके बाद बिल्कुल ही फुल सनलाइट में इनको मैं रख दूँगी। दोस्तों, जितने भी मैंने अभी बल्ब वाले प्लांट लगाए हैं वो फर्स्ट बार मैं लगा रही हूँ, इसीलिए पहला मेरा एक्सपीरियंस होगा इसके ऊपर। तो दोस्तों, आगे देखते हैं करके कि इसका रिजल्ट क्या होगा कुछ ही दिनों में। तो जो भी रिजल्ट होगा आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी, क्योंकि पहली बार मैं इस तरह के बल्ब्स को ग्रो कर रही हूँ। तो हम लोग जो भी सीखते हैं अपने ही गार्डन से बहुत कुछ सीखते हैं गार्डनिंग करके। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अपने और अपने गार्डन का ढेर सारा ख्याल रखिए दोस्तों। कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।